स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड है. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. हमें यहाँ पर जो है वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है और उन वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी फर्स्ट और फिर उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर एंड फाइंड देम. उसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 है और उनमें से जो एक नंबर है वो क्या है, थ्री टाइम्स है किसका, दूसरे नंबर का, और फिर लास्ट में लिखा फाइंड देम. तो अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जब हम, तो हमें एक्स और वाई एज्यूम करने में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को. तो एक्स और वाई जो हम एज्यूम करेंगे वो कैसे करते हैं, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना उसी को हम एक्स और वाई एज्यूम करते हैं. यहाँ लिखा फाइंड देम, फाइंड देम मीन्स किसके बारे में बात कर रहा है, वो नंबर्स के बारे में बात कर रहा है और वो कौन से नंबर्स, दोनों नंबर्स. तो हमने एज्यूम करना है लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई. अभी बताओ आपने दो नंबर एज्यूम किए हैं तो ऑब्वियसली दोनों डिस्टिंक्ट नंबर हैं, दोनों डिफरेंट नंबर हैं, तो उनमें से कोई एक क्या होगा, ग्रेटर भी होगा. तो आपने लिख देना है कि एंड वाई इज सॉरी एक्स एज्यूम कर लो या वाई एज्यूम कर लो, वो आपकी चॉइस है. तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, आपने मेंशन कर दिया कि जो एक्स है वो वाई से ग्रेटर है. तो ऑब्वियसली उसने बोला कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो देखो 26 आ रहा है, माइनस 26 नहीं आ रहा, प्लस 26 आ रहा है. तो अगर दो नंबर्स को हम डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर में से स्मॉलर वन को माइनस कर रहे हैं. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ग्रेटर नंबर में से अगर आप स्मॉलर नंबर माइनस करते हो तभी तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है. तो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो गई है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 26. अब उसने ये भी बोला है कि वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, तो एक जो नंबर है वो क्या है, दूसरे नंबर का थ्री टाइम्स है, तो ऑब्वियसली ग्रेटर नंबर ही होगा. वो ग्रेटर नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर का क्या होगा, थ्री टाइम्स, स्मॉलर तो नहीं होगा. तो x इज इक्वल्स टू 3y, हमारे पास इक्वेशन नंबर टू फॉर्म हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टू में से जो x की वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइंड आउट हुई है, तो x की वैल्यू हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे. क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन में, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26. हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर टू में से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दिए, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2y और 26, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 26 बाई 2 मीन्स 13, तो y इज इक्वल्स टू 13 आ गया. अब इस y की वैल्यू को आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे कि हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं y की वैल्यू को, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13 मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 39. तो यहाँ पर जो हमारे पास दो नंबर्स आए हैं वो 39 है, एक फर्स्ट वन जो है 39 है और सेकंड वन जो है 13 है. और उसने ये भी बोला था कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, 26 होगा. आप डिफरेंस करके देखो वेरिफिकेशन पार्ट इसका, वेरिफिकेशन वो क्या है, 39 माइनस 13 किया हमने, कितना आया रिजल्ट, 26 ही आया ना, तो मीन्स हमारे जो आंसर है वो राइट है. मैंने बताया था वो ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करने पर ही रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. क्लियर है स्टूडेंट ये क्वेश्चन, फिर रोक देना इसके बाद, ठीक है. यहाँ पर जो है ना x इज इक्वल्स टू 3y दिया हुआ है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3y बोला था, तो x 39 है और y जो है वो 3 इंटू 13, तो 3 इंटू 39 कितना होता है, 13 क्या होता है, 39. तो देखो ये 3 टाइम्स भी हो गया यहाँ पर, तो ओवरऑल क्या है रिजल्ट हमारे पास, 39 और 13 ही इन दोनों को वेरीफाई करेंगे. क्लियर है क्वेश्चन स्टूडेंट. अब यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन नंबर थर्ड फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3. अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. जब हम क्या कर रहे हैं, दो ऐड कर रहे हैं किसमें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है, वो ही कह रहा है क्वेश्चन में. और इफ
3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगर हम 3 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसमें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या होता है, 5/6 हो जाता है. फाइंड द फ्रैक्शन. देखो मैंने वर्ड प्रॉब्लम में आपको पहले बोला है कि एक्स और वाई जो एज्यूम करना है, अगर वो आपको एज्यूम करना आ गया कि किसको एज्यूम करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. और एक्स और वाई उसी को एज्यूम करते हैं जो हमें क्या है, फाइंड आउट करना होता है. तो उसने बोला कि फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. तो फ्रैक्शन में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट. तो आपने क्या एज्यूम करना है, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाय वाई. मीन्स हमने न्यूमरेटर पार्ट को एक्स एज्यूम किया, डिनोमिनेटर पार्ट को वाई एज्यूम किया है. तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, फर्स्ट कंडीशन में कि इफ टू इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना पड़ेगा. अगर हम ऐसा करते हैं तो फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाएगा. ये क्वेश्चन में कहा है उसने. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी. नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन में उसने कहा है कि इफ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर वो 3 ऐड करता है कि इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो 5/6 हो जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म होगी. अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 11 इंटू एक्स प्लस 2 9 इंटू वाई प्लस 2. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया. तो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो 11x प्लस 22 9y प्लस 18. तो हम 9y को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो 11x माइनस 9y 18 माइनस 22 मीन्स 11x माइनस 9y माइनस 4. ये इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेते हैं. नाउ इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी 6x प्लस 3 5 इंटू वाई प्लस 3. सो 6x प्लस 18 5y प्लस 15. 5y को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18 मीन्स 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3. इसको हम इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लेते हैं. अब हमें इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ही सॉल्व करना है. तो किसी भी इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, 11 की फाइंड आउट कर लेते हैं, 11x की. तो 11x इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 9y. जो इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें से हमने 11x इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 9y. तो x जो हो जाएगा वो माइनस 4 प्लस 9y बाय 11. और इस x को हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं. तो इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स 6 इंटू माइनस 4 प्लस 9y बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3. तो हमने क्या करना है, अब इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो 6 के, तो माइनस 24 हो जाएगा. नेक्स्ट वन हो जाएगा यहाँ पर 54y बाई 11 माइनस 5y माइनस 3. माइनस 24 प्लस 54y बाई 11 माइनस 5y बाई में हम यहाँ 1 लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू माइनस 3 था. तो अब एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, 11 आएगा एलसीएम. तो ये हो जाएगा माइनस 24 प्लस 54y माइनस 55y इज इक्वल्स टू माइनस 3. तो ये 11 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 24. देखो 54 में से माइनस 55 कर रहे हो आप, तो कितना आएगा, माइनस वाई रह जाएगा और ये माइनस 33 हो जाएगा. तो माइनस वाई माइनस 33 प्लस 24 हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके. तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 33 में से 24 माइनस कर दो आप, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा और ये माइनस वाई है. तो वाई रिजल्ट कितना आ जाएगा, 9. अब इस y को आपने जो हमारे पास इक्वेशन थी उस इक्वेशन में पुट करना है. कोई भी इक्वेशन आप, जैसे हमारे पास इक्वेशन थी 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3, ये हमारे पास इक्वेशन थी. तो इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट करो, तो 6x माइनस 5 इंटू 9 माइनस 3, तो 6x माइनस 44
5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो 6x माइनस 3 प्लस 45, 42 हो जाएगा यहाँ से 6x, तो x इज इक्वल्स टू 42 बाई 6 मीन्स 7, तो रिजल्ट आ गया x इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो फ्रैक्शन जो हमारा हो जाएगा, फ्रैक्शन बिकम्स, जो हमारे पास जो फ्रैक्शन था वो फ्रैक्शन हो जाएगा x 7 बाय 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो x न्यूमरेटर पार्ट है वो 7 और डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो 9 है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का सिक्स पार्ट है। 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर्स एगो जैकोब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। उसने कहा है कि देखो 5 ईयर हैंस, हैंस मीन्स अब से 5 साल बाद, ठीक है, अब से 5 साल जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल बाद जो है वो एज ऑफ जैकोब, जैकोब की जो एज है वो क्या हो जाएगी, 3 times दैट ऑफ हिज सन। उसके सन्स का जो है उसकी जो सन की जो एज है उसके 3 times हो जाएगी किसकी, जैकोब की एज। 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो मीन्स 5 साल पहले, जो प्रेजेंट एज से 5 ईयर्स एगो की बात कर रहा है वो, जैकोब की जो एज है वो 7 times थी उसके सन से। तो अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड आउट करने में, और मैंने वर्ड प्रॉब्लम बताया हुआ है कि आपको एक्स और वाई वो एज्यूम करने हैं जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब ये बताना है यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, मतलब कि जैकोब की और उसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी एक्स ईयर ओल्ड, और नेक्स्ट यहां पर हमने एज्यूम किया कि उसके सन की एज जो है, सन एज भी वाई ईयर ओल्ड। तो यहां से अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि फर्स्ट कंडीशन कि 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद जो एज ऑफ जैकोब है, जैकोब की एज को हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स, और उसके सन की जो एज है उसको हमने क्या किया था, वाई एज्यूम किया था। तो लेकिन अब उसने देखो बात की किसकी, 5 साल बाद की, तो आपने क्या करना है, दोनों साइड 5 को ऐड कर देना है क्योंकि हाँ अब से 5 साल बाद चले गए हैं, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो जैकोब की एज है 5 साल बाद वो 3 times से किसके, उसके सन की, सन की एज को, तो मतलब हमने क्या कर देना है, उसके सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, उसने बोला ना यहाँ पर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 times ऑफ y प्लस 5 हो जाएगा, 3 times हो जाएगी, और 5 हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि वो 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो हमें जो है फ्यूचर में जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, 5 ऐड करना पड़ेगा, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y, 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या कहा उसने, 5 ईयर्स एगो, देखो स्टूडेंट पहले आपने x लिखा और y लिखा, जैकोब के लिए x और उसके सन के लिए y, लेकिन उसने क्या बोला अभी, 5 ईयर्स एगो, तो आप क्या करोगे, एगो मीन्स अगर आप जो है पास्ट में जाना चाहते हो तो क्या करोगे, दोनों में माइनस कर दोगे, 5 5 माइनस कर दोगे। अब उसने क्या है, क्या कहा है कि जैकोब की जो एज है वो 7 times है किसके, उसके सन के, तो उसके सन की जो एज है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 5 7y माइनस 35, x 7 को इधर ले आओ तो माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y माइनस 30, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हमें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, तो आप किसी भी एक वेरिएबल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में से हमने x इज इक्वल्स टू फाइंड आउट किया 10 प्लस 3y, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में से हमने x को फाइंड आउट किया ना, 3y जो राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो x जो है वो 10 प्लस 3y हो जाएगा, तो इस x को आप क्या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y माइनस 30, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4y माइनस 30, माइनस 4y माइनस 30 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 40 माइनस 4y, तो नाउ माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया और y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40 बाई 4 मीन्स 10,
तो ये वाई किसकी एज थी, उसके सन की एज थी। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, एक्स की वैल्यू के लिए आप वाई को पुट कर दो, एक्स इज इक्वल्स टू 10 + 3 × 30। तो ये हो जाएगा 30 + 10 = 40। तो एक्स की जो एज है वो क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। एक्स मीन्स जैकोब, जैकोब की एज जो है वो 40 हो जाएगी और उसके सन की जो एज है वो 10 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स?